हेलो सीए इंटर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम में। एंड गाइस, आज हम सीए इंटर लॉ के इंट्रोडक्शन की वीडियो लेके आए हैं। आपको पता है कि अब सीए इंटर का न्यू सिलेबस आ गया है। आप लोगों को अब यह बात पता है कि सीए इंटर के अंदर न्यू सिलेबस एप्लीकेबल हो चुका है। और जो न्यू सिलेबस अब आया है, फाउंडेशन इंटर हर जगह आया है, इसका जो फर्स्ट अटेम्प्ट बच्चों का पड़ेगा वो पड़ेगा मई 23। आपको ये भी पता है, सॉरी मई 23 कह रहा हूं, मई 24 तो भी चल रहा है ना, मई 24 इसका फर्स्ट अटेम्प्ट पड़ेगा। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो सीए इंटर लॉ के रिगार्डिंग करने जा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है मैं लॉ ही पढ़ाता हूं, तो उसके रिगार्डिंग ही बात करूंगा। लॉ क्या होता है, कैसे बनता है, कौन बनाता है, वो सब तो अभी बाद में बात करेंगे, अभी आगे चल के इसी लेक्चर के अंदर ही करेंगे, आगे चल के अभी 5-10 मिनट बाद। अभी मैं थोड़ा सा आपको आपके कोर्स के बारे में इंट्रो देता हूं। अगर मैं आपसे आपके सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, तो उस सब्जेक्ट का जो आपका सीए इंटर का सब्जेक्ट है उसका नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। अगर मैं आपसे इस चैप्टर के बारे में बात करूं, तो पहले भी यही नाम था ओल्ड सिलेबस में, जब पहले जो भी अटेम्प्ट अभी चल रहा है बच्चों का, जो पहले था ओल्ड सिलेबस में भी यही अटेम्प्ट, यही नाम था इस सब्जेक्ट का। अभी न्यू सिलेबस जो मई 24 में पहला अटेम्प्ट होना है उसके अंदर भी यही नाम है इस सब्जेक्ट का, नाम सेम ही है। फर्क क्या है, अभी नए सिलेबस के अंदर जो कॉर्पोरेट लॉ है वो 70 मार्क्स का है, एंड जो अदर लॉज हैं वो 30 मार्क्स के हैं। अगर मैं आपसे ओल्ड सिलेबस की बात करूं, ओल्ड सिलेबस की, तो उसके अंदर क्या होता था, कॉर्पोरेट लॉ 60 का होता था, अदर लॉ 40 का होता था। और उसमें होता क्या था कि कॉर्पोरेट लॉ में कंपनी लॉ पढ़ाया जाता था और अदर लॉ के अंदर आपको 4 चैप्टर पढ़ाए जाते थे। और हम ये बोल के चलते थे बच्चे को कि हर चैप्टर ऑलमोस्ट 10 नंबर की वेटेज तो रखता ही है। अब नए कोर्स में इन लोगों ने क्या करा कि कॉर्पोरेट लॉ 70 का कर दिया, अदर लॉ 30 का कर दिया, और अदर लॉ में 3 ही चैप्टर है, जनरल क्लॉजेज एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और कंपनी लॉ 70 नंबर वाले पोर्शन में 2 चीजें हैं, कंपनी लॉ और एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। अगर मैं आपको पुराने वाले सिलेबस से कंपेयर करूं, तो पहले जो कंपनी एक्ट था आज भी वही कंपनी एक्ट है, कोई छेड़ाछाड़ी नहीं की गई है। सिर्फ एक फॉरेन कंपनीज का टॉपिक अगर मैं आपसे बात करूं, तो एक फॉरेन कंपनीज का टॉपिक है वो पहले ही रहा, ये अभी आगे आएगा, ये कंपनीज एक्ट के अंदर। मैं तुम्हारे को दिखाता हूं कहां है वो, चैप्टर नंबर, ये चैप्टर नंबर 11, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इसको हम फॉरेन कंपनीज बोलते हैं। ये पहले भी था और ये अब भी आया है। पहले इसको टाइप्स ऑफ कंपनीज वाले चैप्टर में पढ़ाते थे प्रीलिमिनरी के अंदर, अब इसको अलग से एक चैप्टर बनाया और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल ज्यादा डाल दी है बस। तो कंपनी लॉ जितना ओल्ड सिलेबस में हुआ करता था एज इट इज कट कॉपी पेस्ट सेम है, सिर्फ एक फॉरेन कंपनीज के टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में डाला गया बस। तो 60 नंबर का वो पहले था, 60 नंबर का वो है, एक एलएलपी एक्ट इसके अंदर और ऐड कर दिया गया। ये पहले आप लोगों को फाउंडेशन में पढ़ाया जाता था, अभी भी फाउंडेशन में पढ़ाया जाएगा, नए सिलेबस में भी सीए फाउंडेशन में एलएलपी है, लेकिन बहुत थोड़ा है। डिटेल के अंदर एलएलपी एक्ट को इंटर में डाल दिया गया, तो मान के चलता हूं कि मैं 10 नंबर की मोटा मोटा वेटेज ये रख रहा होगा। तो जो पहले कंप्लीट लॉ 60 का होता था वो कंप्लीट लॉ आज भी कंप्लीट लॉ ही है, और 10 का एलएलपी डाल दिया पोर्शन 1 के अंदर, तो टोटल मिलाकर ये 70 मार्क्स हो गया। और क्योंकि ये दोनों कॉर्पोरेट लॉ का पार्ट है, तो इसलिए 70 मार्क्स के अंदर 2 चीजें पढ़ाई जाएंगी आपको इस 70 मार्क्स के अंदर। एक पढ़ाया जाएगा आपको कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2013, और दूसरा पढ़ाया जाएगा आपको एलएलपी एक्ट 2008। ये तो हो गया आपका 2008, ये तो हो गया आपका कौन सा वाला पोर्शन, कॉर्पोरेट लॉ वाला पोर्शन 70 नंबर का। जो 30 नंबर वाला पोर्शन है इसके अंदर एक जो चैप्टर आपको दिखा रहे हैं, ये एक दिखा रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, एक चैप्टर है जनरल क्लॉजेज एक्ट, और एक एक्ट है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगर मैं आपसे इसमें भी बात करूं, तो ये 2 चैप्टर पहले भी थे अब भी हैं, ओल्ड सिलेबस में भी थे न्यू में भी हैं, और एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया फेमा। पहले ना अदर लॉ में 4 चैप्टर हुआ करते थे, ये 2 तो थे ही इंटरप्रिटेशन ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट, 2 अलग से हुआ करते थे जिसका नाम था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें एडवांस लेवल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया जाता था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, प्लेज एजेंसी, वो फाउंडेशन में डाल दिया इन लोगों ने। और दूसरा एक चैप्टर पढ़ाया जाता था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वो भी अभी इन्होंने फाउंडेशन में डाल दिया।
तो इधर के दो चैप्टर काट के दो फाउंडेशन में पहुंचा दिए गए और उन दो की जगह पे दो नए लेकर आ गए, एक फेमा लेकर आ गए, एक एलएलपी लेकर आ गए। फेमा को इस अदर लॉ वाले पोर्शन में डाल दिया और एलएलपी को कंपनी लॉ वाले पोर्शन में डाल दिया कॉर्पोरेट लॉ वाली तरफ। तो ले दे के हुआ कुछ नहीं है, जो कंटेंट ओल्ड सिलेबस में था वही आ जाए न्यू सिलेबस में, सिर्फ दो चैप्टर कटे हैं तो दो नए आए हैं, आप ऐसे समझो। और वेटेज पहले 60-40 थी, अब 70-30 है। पहले कंपनी लॉ 60 का था, अब उसका नाम कॉर्पोरेट लॉ और कंपनी लॉ के साथ एलएलपी एक्ट पढ़ना है। और अदर लॉ तो अदर लॉ पहले भी था, अब भी था, पहले वो 40 का था, अब 30 का है। पहले उसमें चार चैप्टर थे, अब तीन चैप्टर है, बात खत्म। तीन इधर है तो एक जो नया इंट्रोड्यूस करा गया एलएलपी वाला उस तरफ डाल दिया ना, तो उसको 60 की जगह 70 कर दिया, बात एक ही है। तो ये आपका सिलेबस है। तो आपके न्यू सिलेबस में क्या क्या हुआ है, बात समझ आ गई आपको? ये तो मैंने तुम्हारे को सिलेबस का इंट्रो दे दिया था कि आपको क्या आना है, कितनी वेटेज रहेगी वगैरह वगैरह, ये समझा दिया। हम कंपनी लॉ क्या होता है ये सब तो डिटेल में आगे वाले लेक्चरों में बात करेंगे। आज के लेक्चर में मेरा पहला क्वेश्चन यही है आप लोगों से कि लॉ क्या होता है, कैसे बनता है और कौन बनाता है, वो हम उसके बारे में बात करेंगे। बेस तो मैंने आपको आपके सिलेबस के बारे में बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अब आपने अपने सिलेबस के बारे में जान लिया, अब हम ये समझते हैं कि लॉ क्या होता है, कौन बनाता है, कैसे बनता है वगैरह वगैरह, किस लिए बनाया जाता है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं बच्चे को कि जिंदगी में ये चीज कैसे हो रही है ये तो दुनिया जानती है, लेकिन ये चीज क्यों लाई गई थी, व्हाई इट इज इंट्रोड्यूस्ड, जिस दिन ये जान जाओगे उस दिन जिंदगी में कुछ कर जाओगे। सबके बारे में बात करेंगे। मेरा पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन ये कि लॉ क्या होता है। बचपन से सुनते आ रहे हो कि लॉ का मतलब होता है कानून, है ना, लॉ का मतलब होता है कानून। अच्छा मैं एक बच्चे से एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, हमारे इंडिया में लॉ कौन बनाती है, तो बच्चा कहता है सरकार बनाती है। बच्चा क्या बोलता है, सरकार बनाती है। तो आज इसके बारे में भी बात करेंगे कि लॉ क्या एक्चुअल में सरकार बनाती भी है या कोई और बनाता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। मानते हो इस बात को, आज सब 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 समझेंगे, अभी सब समझेंगे, तुम देखते चलो। तो पहला क्वेश्चन जो मेरा शुरुआत हो रही है, लॉ क्या होता है। जब भी मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ लॉ क्या होता है, तो पता है बच्चा क्या बोलता है कि सर लॉ का मतलब होता है कानून। बेटा तुम मेरे को उसका मतलब नहीं समझा रहे हो, तुम मेरे को उसकी हिंदी बता रहे हो, तुम मेरे को उसकी हिंदी बता रहे हो कि लॉ का मतलब कानून होता है। ये तो वही वाली बात हो गई कि फ्रेंड कौन है, फ्रेंड का मतलब दोस्त है ना, तो तुम उसका मतलब नहीं समझा रहे, तुम उसकी हिंदी बता रहे हो। अगर तुमसे किसी अंग्रेज ने पूछ लिया, किसी फॉरेनर ने पूछ लिया कि लॉ क्या होता है या फ्रेंड कौन होता है, तो तुम उसको ये बोलोगे दोस्त, फिर तो तुम्हारे को ये समझाना भारी पड़ जाएगा फ्रेंड का मतलब दोस्त, कि दोस्त क्या होता है, तुम्हें तो ये भी समझाना भारी पड़ जाएगा अंग्रेज को। इसका मतलब तुम उसका मतलब नहीं समझाते, तुम उसकी हिंदी बताते हो। तुमसे मैं पूछ लूं व्हाट इज एसेट, तो तुम ये नहीं बोलते हो एसेट का मतलब क्या, तुम पता क्या बोलते हो, लैंड, बिल्डिंग, तुम उसके एग्जांपल देते हो। मैं पूछता हूं व्हाट इज लायबिलिटी, तो तुम ये नहीं बताते कि लायबिलिटी क्या है, तुम पता क्या करते हो, उसके एग्जांपल देते हो, लोन वगैरह ये सब किस में आते हैं लायबिलिटी में। तो अब स्टार्ट करते हैं, अभी लॉ क्या होता है, मैं उसको समझने से पहले ना, समझाने से पहले मैं आपको एक बात करता हूं इंडिया के अंदर कि हमारे इंडिया में लॉ बनाने वाली बॉडीज कौन कौन है। जब आपको वो समझ आएगा ना, तब आपको समझ आएगा लॉ क्या होता है। तो मैं उल्टा चल रहा हूं थोड़ा सा, मैं पहले ये नहीं बता रहा लॉ क्या होता है, मैं पहले ये बता रहा हूं कि लॉ बनाता कौन है इंडिया के अंदर, फिर हम देखेंगे कि लॉ क्या होता है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमारे इंडिया के अंदर ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे इंडियन लीगल सिस्टम के या इसको मैं ऐसे भी बोलते हैं हमारी स्टेट के, यहाँ पे स्टेट का मतलब वो वाली स्टेट नहीं जैसे आप दिल्ली पंजाब उसमें रहते हो, स्टेट का मतलब ये नहीं है, यहाँ स्टेट का मतलब कंट्री के हिसाब से बात हो रही है, कि हमारे इंडियन लीगल सिस्टम के या स्टेट के तीन ऑर्गन्स होते हैं। और ये चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये आप लोगों को आई थिंक 9th या 10th क्लास में सिखाई गई होगी, या 8th 9th क्लास में सिविक्स में सिखाई गई होगी, सिविक्स में। अगर आपको याद हो वो तीन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, तो वो तीन ऑर्गन्स के अंदर एक आता है लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव्स एंड एक होता है जुडिशियल बॉडीज। एक हो गया लेजिस्लेटिव, एक हो गया एग्जीक्यूटिव्स एंड एक हो गया जुडिशियल बॉडीज। ये हमारे इंडियन लीगल सिस्टम के तीन ऑर्गन्स हैं। इनका काम क्या है, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉ मेकिंग, लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव्स का काम क्या होता है, टू इंप्लीमेंट दैट लॉ, इनका काम होता है उस लॉ को इंप्लीमेंट करवाना। एंड जुडिशियल बॉडीज का मतलब क्या होता है, जुडिशियल बॉडीज को मैं बात करूंगा इनमें कौन कौन आते हैं अभी बात करेंगे। जुडिशियल बॉडीज का काम क्या होता है, टू इंटरप्रेट दैट लॉ
एंड पास द जजमेंट अकॉर्डिंगली, पास द जजमेंट अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, तो मैंने तीन बातें करी कि हमारे इंडियन लीगल सिस्टम के और स्टेट के तीन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल बॉडीज। तीनों के काम क्या क्या है? लेजिस्लेटिव, अच्छा लेजिस्लेटिव का अपने आप में मतलब ही क्या होता है? लॉ मेकिंग, लॉ बनाना, तो इनका काम होता है लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम है जो लॉ बन चुका है उसको इंप्लीमेंट करवाना, और जुडिशियल बॉडीज का काम क्या होता है? जो लॉ बना हुआ उसको इंटरप्रेट करके जजमेंट पास करना। ये हमारे तीन इंडियन लीगल सिस्टम के ऑर्गन है मेनली। अगर मैं आपको इसमें बात करूं, इसको हम स्टेट के ऑर्गन्स भी बोलते हैं, अगर मैं आपको इसके अंदर बात करूं तो लॉ मेकिंग बॉडीज की अगर मैं इंडिया में बात करूं तो मेनली दो हैं। लॉ मेकिंग बॉडीज की अगर मैं आपसे इंडिया में बात करूं तो मेनली दो हैं, एक है पार्लियामेंट, कलर चेंज कर दे थोड़ा सा, एक है पार्लियामेंट एंड दूसरी है स्टेट लेजिस्लेचर। एक है पार्लियामेंट एंड दूसरी है स्टेट लेजिस्लेचर। अच्छा, हमारे इंडिया में इसका मतलब लॉ मेकिंग बॉडी दो है, एक है पार्लियामेंट, एक स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट कौन से लॉ बनाती है? पार्लियामेंट वो वाले लॉ बनाती है जो होल इंडिया पे एप्लीकेबल होते हैं, जो पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर कौन से लॉ बनाती है? स्टेट लेजिस्लेचर वो वाले लॉ बनाती है जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, मतलब इस स्टेट का अलग दूसरी स्टेट का अलग। तो हमारे इंडिया में लॉ मेकिंग बॉडी, अच्छा इसको हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर को, देखो लेजिस्लेचर का मतलब ही क्या होता है? लॉ मेकर। लेजिस्लेचर का मतलब ही अपने आप में क्या होता है? लॉ मेकर। और स्टेट लेजिस्लेचर को हम दूसरा नाम बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कभी तुमने सुना हो, लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी मैं तुम्हें यह नहीं समझा रहा लॉ कौन बना, लॉ क्या होता है, अभी तुम्हें यह बता रहा लॉ बनाता कौन है, उल्टा चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है। तुम्हारी 9 10th क्लास की बातें हैं, लेकिन तुम्हारे को इसके बिना लॉ समझ नहीं आएगा जो मैं बातें कर रहा हूं तुम्हारे से, सुनना बड़े ध्यान से। तो हमने पढ़ा ही सबसे पहले तीन बॉडीज हमारे इंडिया के, तीन लीगल सिस्टम में, लीगल मतलब इंडियन लीगल सिस्टम के तीन ऑर्गन्स हैं, एक है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशियल बॉडीज। लेजिस्लेटिव के अंदर आते हैं लॉ मेकिंग, लेजिस्लेटिव का मतलब लॉ मेकिंग, लॉ बनाने वाले लोग, इनका काम क्या? लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का मतलब जो लॉ बन चुका है उसे इंप्लीमेंट करना, और जुडिशियल बॉडीज का काम है उस लॉ को पढ़कर जजमेंट पास करना, है ना। अब सुनना पड़े ध्यान से, लॉ मेकिंग बॉडी मैंने बोला मेनली दो होती है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर मेनली, और भी होती है मैसे लोकल लेवल पे, जैसे गांव में पंचायत होती है, म्यूनसिपैलिटी होती है, वो भी बनाती है वो लोकल लेवल पे, लेकिन मेनली दो होती है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वो पूरे इंडिया पे लगते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। जैसे मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल की बात करूं पार्लियामेंट के बनाए हुए इंडिया के अंदर, अगर मैं लॉ की बात करूं तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी मैं अगर आपसे एग्जाम्पल लेके बात करूं तो आप लोगों को थोड़ा सा इसका कलर जो है लाइट हो गया ज्यादा, कोई बढ़िया कलर चुनते हैं। अगर मैं एग्जांपल लेके बात करूं तो आप लोगों ने सुना होगा कंपनीज एक्ट 2013, इनकम टैक्स एक्ट 1961, एटसेट्रा। ये जो लॉ है ये पार्लियामेंट ने बनाए हैं, ये एक स्टेट के लिए नहीं है, ये पूरे इंडिया के लिए सेम है। अगर मैं इसको एक कंपनी एक्ट को मैं दिल्ली में पढ़ रहा हूं तो मैं भी सेम पढ़ूंगा, कोई बच्चा पंजाब में बैठ के पढ़ रहा है वो भी सेम पढ़ेगा, कोई बच्चा महाराष्ट्र में बैठ के पढ़ रहा है वो भी सेम पढ़ेगा, कोई बच्चा कोलकाता में बैठ के पढ़ रहा है वो भी सेम पढ़ेगा, मतलब सेम इनकम टैक्स एक्ट भी। तो ये वो वाले लॉ है जो पूरे इंडिया के लिए सेम है, जो पूरे इंडिया के लिए सेम है। और ऐसे लॉ जो पूरे इंडिया के लिए सेम होते हैं इनको कौन बनाती है? पार्लियामेंट बनाती है। इन्हें कौन बनाती है? पार्लियामेंट बनाती है। स्टेट लेजिस्लेचर कौन से लॉ बनाती है जो इस स्टेट के अलग है दूसरी स्टेट के अलग है? एग्जाम्पल लेके बात करें, एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, एग्जाम्पल मोटर व्हीकल्स एक्ट
नाम सुना है? अच्छा, मोटर व्हीकल्स एक्ट जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, जो आपका चलान काटता है, ट्रैफिक पुलिस वाला आपका रोड पे चलान काटता है ना, वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग काटता है। ट्रैफिक पुलिस वाला इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपका चलान काटता है। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस वाला आपका चलान काटता है, आपने सुना होगा, कभी ध्यान से देखना, हर स्टेट के ट्रैफिक लॉज अलग है। जैसे दिल्ली के अंदर क्या होता है कि आपको जो बंदा बाइक चला रहा है उस चलाने वाले को भी हेलमेट पहनना है, और जो पीछे उस टू व्हीलर के बैठा हुआ है उसको भी हेलमेट पहनना है। लेकिन बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जहां पे सिर्फ चलाने वाले को हेलमेट पहनना है, पीछे वाले को हेलमेट पहनना ही नहीं है। सिमिलरली तुमने देखा होगा दिल्ली के अंदर कोई बंदा अगर गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है उसको भी सीट बेल्ट लगानी है, बराबर वाले को भी सीट बेल्ट लगानी है। लेकिन बहुत सारी स्टेट ऐसी जहां पे सिर्फ चलाने वाले को सीट बेल्ट लगानी है, बराबर वाले को सीट बेल्ट नहीं लगानी है। इसका ऐसा क्यों हो पा रहा है? हर स्टेट के लॉ अलग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हर स्टेट का मोटर व्हीकल्स एक्ट अपना है। तो जो ऐसे लॉ जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, ऐसे लॉ को कौन बनाती है? स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। ऐसे लॉ को कौन बनाती है? स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। समझ आ गई बात? अच्छा, इनके पास ये बनाने की पावर कहां से आई है, उसके बारे में भी बात करूंगा, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो मोटर व्हीकल्स एक्ट हो गया, एग्जाम्पल टू में तुम यहां से डाल सकते हो। तुमने अगर सुना हो, आपको पता होगा, वैसे तो जीएसटी आ चुका है, लेकिन आपको पता होगा वैट अभी टोटली अबॉलिश नहीं हुआ है। वैट जो है अभी टोटली अबॉलिश नहीं हुआ है। आपको पता ना, पहले तो एक्साइज, कस्टम्स, सर्विस टैक्स, वैट होता था। तो कस्टम्स तो आज भी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, है ना, एक्साइज अबॉलिश हो चुका है, वैट अभी अबॉलिश नहीं हुआ। वैट आपको पता अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह पे लगता है, और उनकी जगह पे एक्साइज वगैरह की जगह पे और सर्विस टैक्स वगैरह की जगह पे क्या आया? जीएसटी आया। लेकिन जो वैट था, वैल्यू एडिड टैक्स, वो हर स्टेट का अलग था। वैट के लॉ हर स्टेट के लगते हैं, हर स्टेट अपने हिसाब से पैसा लगाती है। इसलिए हम देखा होगा कुछ कुछ स्टेट में पेट्रोल का प्राइस अलग होता है, हर स्टेट में पेट्रोल का प्राइस अलग होता है, वो उसके वैट रीजन की वजह से होता है कि हर स्टेट के टैक्सेस अपने अलग होते हैं। समझ आ गई बात? तो ये वैट, ये भी स्टेट का लॉ है। अच्छा, तो ये पहली बात समझ आई हमारे को, मैंने एग्जांपल देके समझाया। तो हमने समझे, सबसे पहले क्या समझा कि हमारे इंडिया में लीगल सिस्टम में जो पहली बॉडी लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग, और इंडिया में लॉ मेकिंग बॉडी दो है, एक कौन कौन सी है? पार्लियामेंट, दूसरी कौन सी है? स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वो कहां लगते हैं? पूरे इंडिया पे लगते हैं, उसके एग्जांपल हमने समझे। स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है वो हर स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, इस स्टेट का अलग, दूसरी स्टेट का अलग, हर स्टेट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो बनाया जाता है। फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स का काम क्या है? लॉ को इंप्लीमेंट करवाना। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन लोग आते हैं? एग्जीक्यूटिव्स के अंदर कौन कौन आते हैं? एग्जीक्यूटिव्स के अंदर आती है गवर्नमेंट बॉडीज, सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव्स में कौन आता है? अगर मैं आपसे बात करूं तो एग्जीक्यूटिव्स में आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रीज, अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, पुलिस, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट हो गया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो पुलिस वगैरह का डिपार्टमेंट है वो किसमें आ गया? इसी में आ गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ये सब कौन है? एग्जीक्यूटिव्स हैं। एग्जीक्यूटिव्स का काम क्या होता है? जो लॉ बन चुका है उसको ढंग से इंप्लीमेंट करवाना, ये चेक करना क्या वो लॉ ढंग से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, वो इनका काम होता है। इसका मतलब लॉ बनाया पार्लियामेंट ने, लेकिन वो कब से लागू होगा, उसे कब से फॉलो करना है, ये कौन बताती है? सरकार बताती है। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस, जो ट्रैफिक का जो लॉ है मोटर व्हीकल्स एक्ट, इसको बनाया तो किसने? स्टेट लेजिस्लेचर ने। लेकिन इस लॉ को फॉलो करके चलान कौन काट रहा है आपका? पुलिस वाले। और पुलिस वाले किसमें आते हैं? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आते हैं, है ना। दिल्ली पुलिस एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, पुलिस का अलग, ट्रैफिक पुलिस का एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, तो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आते हैं। तो वो कौन है? एग्जीक्यूटिव्स। इसका मतलब सरकार भी इसमें आती है। इसका मतलब सरकार लॉ बना नहीं रही है, सरकार लॉ चला रही है। यह बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है, सरकार लॉ बनाती नहीं है, सरकार लॉ चलाती है। अच्छा, बच्चे बोलेंगे सर पार्लियामेंट में भी तो सरकार के लोग ही बैठते हैं। नहीं, अगर आपको पता हो पार्लियामेंट में, एक बात बताओ क्या, देखो जैसे मान लो बीजेपी की सरकार चल रही है या कांग्रेस की सरकार चल रही है, किसी की भी सरकार चल रही है, क्या पार्लियामेंट में खाली जो लीडिंग सरकार है उसी के लोग बैठे होते हैं या ऑपोजिशन भी बैठी होती है? ऑपोजिशन भी बैठी होती है। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि सरकार ने लॉ बनाया? वहां पे तो दोनों कैटेगरी के लोग हैं, अपोजिशन वाले भी हैं और जो लीडिंग पार्टी है वो भी हैं। इसलिए हम ये बोलते हैं कि पार्लियामेंट एक सेपरेट बॉडी है, स्टेट लेजिस्लेचर एक सेपरेट बॉडी है, सरकार लॉ नहीं बनाती। सरकार लॉ बनाती नहीं है, पार्लियामेंट लॉ बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है। इनको इंप्लीमेंट कौन करवाती है? सरकार। इसको लागू कब से करना है, फॉलो कब से कराना है, ये कौन बताती है? सरकार। और एक चीज याद रखना, जो लॉ पार्लियामेंट बनाती है उन लॉ को इंप्लीमेंट करवाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, इंप्लीमेंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको इंप्लीमेंट कौन करवाती है? सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड जो लॉ स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है उनको इंप्लीमेंट करवाती है स्टेट गवर्नमेंट, इंप्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट।
तो जो लॉ पार्लियामेंट बनाती है उसे इंप्लीमेंट कौन करवाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड जो लॉ स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है उसको इंप्लीमेंट कौन करवाती है? स्टेट गवर्नमेंट। अब दिक्कत पता क्या है, मैंने तुम्हें भी क्या बोला, मोटर व्हीकल्स एक्ट बनाया किसने? स्टेट लेजिस्लेचर ने। लेकिन अब स्टेट लेजिस्लेचर लॉ मेकर ने तो लॉ बनाकर छोड़ दिया, लेकिन उस लॉ को फॉलो करके आपका चलान कौन काट रहा है? ट्रैफिक पुलिस वाला। तो दिक्कत क्या है कि हमारे इंडिया में ना जो दिखता है वही गाली खाता है, हमारे इंडिया में जिसको हम देखते हैं वही गाली खाता है। तो हम अगर मान लो किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने तुमने वायलेशन करी और किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने तुम्हारा 2000 रुपए का चलान काट दिया, तो तुम सरकार को थोड़ी, तुम उसको थोड़ी गाली दोगे स्टेट लेजिस्लेचर को, साला सरकार ने ऐसा लॉ बनाया, स्टेट लेजिस्लेचर ने ऐसा लॉ बनाया। तुम तो गाली उस ट्रैफिक पुलिस वाले को दोगे, साले ने मेरा चलान काट दिया, यही बोलोगे ना। इसका मतलब जो दिख रहा है वो तुम्हारा, वो गाली खा रहा है। तो देखा जाए तो वो ट्रैफिक पुलिस वाला तुम्हारे को, तुम्हारे मन में गाली खा रहा है, तुम जो भी उसको कर रहे हो, लेकिन बनाने वाला वो नहीं था। लॉ बनाने वाला तो कौन था? स्टेट लेजिस्लेचर, वो तो खाली इंप्लीमेंट करवा रहा था। सिमिलरली तुमने देखा होगा हम लोग मोदी जी को गालियां दे देते हैं, हम किसी और लीडिंग पार्टी को गाली देते हैं कि इस पार्टी ने ये वाला लॉ बना दिया, इस सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन सोचने वाली चीज ये कि मोदी सरकार, अगर मान लो केंद्र के अंदर मोदी सरकार है और केंद्र के अंदर जब मोदी सरकार है, लॉ पार्लियामेंट ने बनाया, पार्लियामेंट में तो दोनों थे, लेकिन जब उसे इंप्लीमेंट करवाया उस लॉ को, तो इंप्लीमेंट करवाने की जिम्मेवारी किसकी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन बैठी है? मोदी सरकार बैठी है। तो इसलिए अगर उस लॉ में कोई भी कमी होती है तो गाली कौन खाती है? मोदी सरकार खाती है। सिमिलरली अगर कोई स्टेट का लॉ है तो उस लॉ को बनाया किसने होगा? स्टेट लेजिस्लेचर ने। लेकिन उसको बनने के बाद अब जब उसमें कुछ भी कमी होगी तो गाली कौन खाएगा? स्टेट का चीफ मिनिस्टर गाली खाएगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल खाता है गालियां बेचारा। तो ऐसे हर किसी को गालियां पड़ती हैं। इसका मतलब जो दिखता है वो गाली खाता है, और वो गाली कौन खाने वाले लोग कौन है? इंप्लीमेंट जो करवा रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव होते हैं आपकी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा मान लो तुम्हें किसी पुलिस वाले ने अरेस्ट कर लिया, तो पुलिस वाले ने अरेस्ट करा वो एज पर लॉ करा होगा, तो जो लॉ बनाया वो तो किसने बनाया होगा? स्टेट लेजिस्लेचर ने। आपको पता होगा जो पुलिस के लॉ होते हैं वो हर स्टेट के अलग होते हैं। दिल्ली पुलिस का अलग लॉ है, मुंबई पुलिस का अलग लॉ है, वो भी स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया, क्योंकि हर स्टेट जो पुलिस जो होती है वो स्टेट वाइज होती है। अब समझने वाली चीज ये है कि आपका लॉ आपके ऊपर चला, पुलिस वाले ने अगर आपको अरेस्ट करा तो उसने तो लॉ के अकॉर्डिंग करा है, लेकिन आप लॉ मेकर को गाली नहीं दोगे, आप किसको गाली दोगे? पुलिस वाले को, साले ने मेरे को अरेस्ट कर लिया। जो दिखता है वो गाली खाता है। जितनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब किस में आते हैं? एग्जीक्यूटिव में। तो आज एक चीज क्लियर हो गई, सरकार लॉ बनाती नहीं है, सरकार लॉ चलाती है, इंप्लीमेंट करवाती है। फिर नेक्स्ट आते हैं जुडिशियल बॉडीज। जुडिशियल बॉडीज का मतलब होता है, इसके अंदर आते हैं कोर्ट्स, और आप लोगों ने सुने होंगे सबसे नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, देन इसके ऊपर होते हैं हाई कोर्ट्स, देन इसके ऊपर होता है एक सुप्रीम कोर्ट। अच्छा मैंने सबके आगे एस लिखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आगे एस नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया में एक ही है, दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान के पास है ना। लेकिन अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जनरली हर स्टेट में 6-7 होते हैं, हाई कोर्ट जनरली हर स्टेट का एक होता है, इसलिए मैंने उनके आगे एस लिखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आगे एस नहीं लिखा। फर्स्ट टाइम केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, आप सेटिस्फाइड नहीं तो अपील करना चाहिए हाई कोर्ट में, अगेन सेटिस्फाइड नहीं तो अपील करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। समझने वाली चीज ये है जुडिशियल बॉडीज जो न्याय दे रही हैं, जो आपको क्या दे रही हैं? न्याय दे रही हैं। और एक न्याय कैसे देती है? लॉ पढ़कर। वकील इनको लॉ पढ़वाते हैं, ये खुद लॉ पढ़ते हैं जजिस, और उसके बेस पे क्या करते हैं? जजमेंट पास करते हैं। तो इनका काम होता है लॉ को इंटरप्रेट करके जजमेंट पास करना, डिसीजन देना। तो ये था हमारा इंडियन लीगल सिस्टम, इसको हम बोलते हैं स्टेट के तीन ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल बॉडीज। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग, इसमें दो बॉडीज है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट कौन से लॉ बनाते हैं? जो पूरे इंडिया पे लगते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर कौन से लॉ बनाते हैं? जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। बनाया तो इन्होंने, लेकिन इनको इंप्लीमेंट करवाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? एग्जीक्यूटिव की। और एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स वगैरह वगैरह। और जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया उसको इंप्लीमेंट कौन करवाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो लॉ स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया उसको इंप्लीमेंट कौन करवाती है? स्टेट गवर्नमेंट। और फिर तीसरी आती है जुडिशियल बॉडीज। ये हो गई, अब हमने समझा कि ये लॉ बनाती कौन है बॉडीज, ये समझा। अब हम देखेंगे इनको लॉ बनाने की पावर कहां से आई है, और फिर ये देखेंगे कि लॉ बनाया कैसे जाता है, और लास्ट में बताऊंगा लॉ क्या होता है, सबसे लास्ट में। सब उल्टा चल रहा है, लेकिन इसके बिना बेस ही समझ नहीं आएगा। अच्छा एक चीज और, तुम लोग सुनते हो ना, देखो जो पार्लियामेंट में लोग काम करते हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर हो गए। जो लोग पार्लियामेंट में काम कर रहे हैं वो लोग कौन हो गए? पार्लियामेंट के मेंबर, मेंबर्स हो गए पार्लियामेंट के, इसलिए हम इनको शॉर्ट में बोलते हैं एमपी। एमपी की फुल फॉर्म क्या हो गई? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सुना होगा ना, हमारे चच्चा विधायक हैं, है ना, एमएलए हैं, एमपी हैं, तो वो यही होता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट।
ये हो गए पार्लियामेंट के जो लोग हैं, और तुमने सुना होगा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, अब ये कौन आती है अब आपको पता है, जो स्टेट के लॉ बनाती है, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है जो स्टेट के लॉ बनाती है, इसके जो मेंबर होते हैं उन्हें हम, जो इसके अंदर लोग काम कर रहे हैं जो इधर के मेंबर हैं उन्हें हम बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है जी। तो ये भी एक चीज समझ ली, एमपी एमएलए कौन होते भी समझ आ गया, और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का रोल क्या ये भी समझ आ गया। लेजिस्लेटिव क्यों लिखा बीच में, क्योंकि लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, लॉ मेकिंग, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं बात करता हूं कि इनको ये लॉ बनाने की पावर कहां से आई है और ये कैसे आई है। हमारे इंडिया में कोई भी बंदा कोई भी काम करता है तो उन सबके पास जो पावर आई है वो आई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कहां से आई है, हमारे भारत के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। हमारे इंडिया में कोई भी बंदा कोई भी काम कर रहा है तो उसको पावर कहां से आई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। एक मिनट रुको, चलो अब चल गया ना। तो हमारे इंडिया में कोई भी बंदा कोई भी काम कर रहा है तो उसको वो काम करने की पावर कहां से आई है जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से उसको वो काम करने की पावर आई है, भारत का संविधान। अब पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और इसका रोल क्या है इंडिया में। 26 जनवरी मनाते हो ना, वो इसी की वजह से मनाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एप्लीकेबल होना शुरू हुआ था। तो मेरा एक क्वेश्चन है तुम्हारे से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का रोल क्या है इंडिया में। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने बनाया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। बेसिकली बनाया भी नहीं गया था, वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से अडॉप्ट किया गया था, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से अडॉप्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किसी बच्चे से पूछो ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, तो वो कहता है भारत का संविधान, भारत का संविधान। तुम तो उसकी हिंदी बता रहे हो, फिर तुमने अभी तक वो नहीं समझाया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो अब लिखो, तुमसे कोई पूछ ले कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तो तुम क्या बोलोगे, इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट विच शोज पाथ, इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट विच शोज पाथ। तो फंडामेंटल का मतलब होता है सुप्रीम, मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, सुप्रीम, इससे ऊपर कुछ नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रास्ता दिखाता है कि पूरी कंट्री चलेगी कैसे। किसी लॉ मेकर के पास लॉ बनाने की पावर आई है तो पार्लियामेंट कहां से आई है, पावर कहां से आई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कोई भारत सरकार का कोई भी अधिकारी कोई काम कर रहा है वो पावर कहां से आई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तुम्हारे मेरे ऐसे बंदे के पास भी कुछ करने ना करने की पावर कहां से आई, सुनो सुनो, फंडामेंटल राइट्स है हमारे, कुछ अधिकार है हमारी, कुछ ड्यूटी है, वो सब पावर भी कहां से आई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो हमारे इंडिया में कोई भी बंदा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसको क्या करने का अधिकार है क्या नहीं है, उसकी बेसिक सारी बातें कहां से आई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, सुप्रीम डॉक्यूमेंट है जो रास्ता दिखाता है कि कंट्री चलेगी कैसे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट जो रास्ता दिखाता है कंट्री चलेगी कैसे। इसी का अब इसी से लिंक करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूं। अब ये जब आगे बढ़ते हैं ना, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको क्या मैंने बता दिया और मैंने तुम्हारे को ये बता दिया और ये भी बता दिया कि इंडिया में कोई भी बंदा कोई भी काम कर रहा है उसकी पावर कहां से आई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो इधर ही कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक शेड्यूल 7 है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक शेड्यूल 7 है, ये भी तुम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। इसके अंदर तीन लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। कॉन्स्टिट्यूशन का एक शेड्यूल 7 है, इसमें तीन लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 को हम लोग बोलते हैं यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 को हम लोग बोलते हैं स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट 3 को हम लोग बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट,
कंकरेंटली। आप लोगों ने ये भी छोटे होते बचपन में पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ाया गया था, लेकिन याद तुम्हें कुछ नहीं होगा। बच्चे कहते सर मेरे को तो 12वीं का नहीं याद, साला ये वाला क्या याद होगा 8वीं 9वीं का। तो कोई बात नहीं, तो तीन लिस्ट होती है, लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अगर आपने पढ़ा हो इसके अंदर, तो आप लोगों ने पढ़ा था कि लिस्ट वन के अंदर लॉ मेकर कहता है ओनली पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज, ओनली पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज, और लिस्ट टू के अंदर, स्टेट लिस्ट के अंदर लॉ कहता है ओनली स्टेट लेजिस्लेचर हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज एंड लिस्ट थ्री के अंदर लॉ कहता है बोथ पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं। इसका मतलब लिस्ट वन में जो बड़े एक्चुअल में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर तीन लिस्ट दी हुई है शेड्यूल सेवन में, और उन तीन लिस्ट के अंदर ना बड़े सारे मैटर्स दिए हुए हैं। लिस्ट वन में कुछ मैटर दिए हुए हैं, लिस्ट टू में कुछ मैटर दिए हुए हैं, लिस्ट थ्री में कुछ मैटर दिए हुए हैं। तो जो मैटर लिस्ट वन में दिए हुए हैं उन मैटर से रिलेटेड लॉ कौन बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी। जो मैटर लिस्ट टू में दिए हुए हैं उससे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी। एंड जो मैटर लिस्ट थ्री में दिए हुए हैं उससे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगी, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर बनाएंगे। लेकिन उसमें एक चीज लिखी हुई है, उसमें एक नोट डाल लो, यहां पे दोनों मिलके तो बनाएंगे लेकिन लॉ ये भी बोलता है व्हेनेवर देयर इज एनी कंफ्लिक्ट अराइजेस बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर देन पार्लियामेंट विल प्रिवेल ओवर स्टेट लेजिस्लेचर। इसका मतलब लिस्ट थ्री के अंदर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे, लेकिन अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की दोनों की बातों में कंफ्लिक्ट होता है, पार्लियामेंट कहती है नहीं लॉ ऐसे बनना चाहिए और स्टेट लेजिस्लेचर कहती है नहीं लॉ ऐसे बनना चाहिए, तो उस केस में वो लॉ कहता है पार्लियामेंट प्रिवेल करेगा। प्रिवेल का मतलब होता है ओवरराइड, पार्लियामेंट की बात मानी जाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर की बात नहीं मानी जाएगी। पापा पापा होते हैं और पार्लियामेंट कौन है यहां पे, पापा। इसके वाला बात समझ आई। तो हमने पढ़ा जी, अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि हमारे इंडियन स्टेट के तीन ऑर्गन है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियल बॉडीज। लेजिस्लेटिव के मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडीज, उसमें मेनली दो आती है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, मैंने तुम्हारे को बताया। वैसे लोकल लेवल पे भी होती है, म्युनिसिपैलिटी वगैरह, लेकिन मेन फोकस उन्हीं पे होता है। फिर नेक्स्ट आती है हमारी लेजिस्लेटिव, जिनका काम क्या होता, लेजिस्लेटिव हो गई। नेक्स्ट आती है एग्जीक्यूटिव, जिनका काम होता है जो लॉ उन्होंने बनाया लेजिस्लेटिव बॉडीज ने उनको इंप्लीमेंट करवाना। फिर नेक्स्ट आते जुडिशियल बॉडीज, उनका काम क्या होता है, उस लॉ को पढ़ के इंटरप्रेट करके जजमेंट देना। फिर मैंने तुम्हारे को बताया कि वो पार्लियामेंट लॉ बनाती है या स्टेट, जो लॉ मेकिंग बॉडी के अंदर दो आती है पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर, जो लॉ बना रही है उनको लॉ बनाने की पावर आई कहां से है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के शेड्यूल सेवन से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के शेड्यूल सेवन से, जिसमें तीन लिस्ट दी हुई है, लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री। लिस्ट वन में जो भी मैटर दिए हुए उसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं, और इसमें जितने भी मैटर उनको पार्लियामेंट बनाती है, उन मैटर पर जितने भी लॉ है वो पार्लियामेंट बनाती है। लिस्ट टू में जितने भी मैटर हैं उनको स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है, उनके ऊपर लॉ, और लिस्ट थ्री में जितने मैटर हैं उनके ऊपर दोनों मिलकर बनाते हैं। तुम्हारे को मैं कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट दिखा भी देता हूं, रुको। हाय, है ना, अब रुको, देखो
कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल सेवन शेड्यूल, इसमें देखो लिस्ट दी हुई है। पहली आ गई लिस्ट वन, यूनियन लिस्ट। अच्छा, इसमें कौन कौन से मैटर है? पहला डिफेंस, सेकंड नेवल मिलिट्री, थर्ड वाले में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एरियाज जो आसपास के हैं उनके रिलेटेड लॉ, फोर्थ वाले के अंदर एयरफोर्स वगैरह, फिफ्थ में आर्म्स रिलेटेड लॉ जो आर्म्स हो गए, सिक्स में एटॉमिक एनर्जी, मतलब जितने भी आपको मैटर दिख रहे हैं लिस्ट वन के अंदर, इनसे रिलेटेड लॉ कौन बनाती है? पार्लियामेंट बनाती है। अच्छा, अगर आपको अगर याद हो तो अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके चलते हैं। कंपनी लॉ लिस्ट वन का मैटर है ना, वो पता है क्यों है लिस्ट वन का मैटर? थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं, ये देखो थोड़ा सा नीचे की तरफ, एंट्री नंबर देखो, ये ना इसको हम बोलते हैं एंट्री नंबर। लिस्ट वन में बड़ी सारी एंट्रीज हैं, है ना, यहाँ पे बड़ी सारी लिस्ट दी हुई है, लिस्ट वन के अंदर बड़ी सारी एंट्री दी हुई है। तो लिस्ट वन के अंदर एंट्री नंबर 43 और 44 को देखो। 43 डील करता है इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन वाइंडिंग अप ऑफ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन कंपनीज की बात कर रहा है, इंक्लूडिंग बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह वगैरह। और नीचे वाले में डील कर रहा है, नीचे वाले में वो वाली कंपनीज जो भले ट्रेड कर रही है नहीं कर रही है, वो एंट्री नंबर 44 में है। इसका मतलब जो कंपनीज हैं, मतलब इन मैटर से रिलेटेड लॉ कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। इसका मतलब कंपनी लॉ इसीलिए लिस्ट वन का मैटर है क्योंकि एंट्री नंबर 43 और 44 से पावर आई है, तो कंपनी लॉ इसीलिए किसका मैटर है? लिस्ट वन का मैटर है, है ना। ऐसे इंश्योरेंस लॉज भी इंडिया के अंदर, वो भी लिस्ट वन का मैटर है। तो ये लिस्ट वन वाले हो गए। ऐसे अब लिस्ट टू में चलते हैं। ये देखो टैक्सीज आ रहे हैं, टैक्सीज के बारे में बात हो रही है, कॉर्पोरेशन टैक्स, टैक्सीज ऑन इनकम, है ना। अच्छा, इसलिए इनकम टैक्स यहां का मैटर है लिस्ट वन का, मैंने बताया था ना मैंने तुम्हारे को। अब आती है लिस्ट टू। अच्छा देखो, लिस्ट टू जो हम पढ़ रहे हैं सेवन शेड्यूल की, ये रही लिस्ट टू स्टेट लिस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट लिस्ट। अच्छा, इसके अंदर देखो कौन कौन आ रहा है? पुलिस है ना, प्रिजनर्स, जेल वगैरह होती है। अच्छा, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, जो लोकल लेवल पर हॉस्पिटल्स होते हैं, है ना, जो लोकल लेवल पर पुलिस होती है, मैंने क्या बताया था? इनसे रिलेटेड लॉ कौन बनाती है? स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। अब आते हैं लिस्ट थ्री के ऊपर। लिस्ट थ्री के अंदर जो मैटर्स हैं, जैसे एग्जांपल प्रॉपर्टी का मैटर, क्रिमिनल मैटर, प्रॉपर्टी का मैटर एक ऐसा मैटर है जो हर स्टेट के लॉ अलग होते हैं। प्रॉपर्टी के लिए हर स्टेट के लॉ अलग हैं, प्लस इंडिया में एक कॉमन एक्ट भी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसका मतलब वहां पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर लॉ बना रहे हैं। इंडिया में जो क्रिमिनल लॉज हैं, क्रिमिनल लॉ जैसे एग्जांपल मर्डर डकैती लॉ, मर्डर डकैती रेप, उसमें हर स्टेट के भी कुछ अपना कहना है, कुछ स्टेट में अलग है। और पक्के आपको पता है इंडिया में सेंट्रल लॉ तो है ही है क्रिमिनल वगैरह, क्रिमिनल लॉज के, जैसे इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो जो लिस्ट थ्री के अंदर मैटर आते हैं वहां पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर बनाती है। तो ये हो गए, मैंने तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन की तीनों लिस्ट दिखा दी। और मैं तुम्हारे को अभी बताया था कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वो पार्लियामेंट लॉ बना रही है, और ये लॉ पूरे होल इंडिया पे एप्लीकेबल होते हैं। और जो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पार्लियामेंट जो लॉ बना रही है उसको इंप्लीमेंट कौन करवाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बना रही है उसको इंप्लीमेंट कौन करवाती है? स्टेट गवर्नमेंट। तो अब हमने दो चीजें समझी, क्या समझी? कि हमारे एक तो इंडियन लीगल सिस्टम के तीन ऑर्गन्स क्या हैं, दूसरी बात लॉ मेकिंग बॉडीज जो उनको लॉ बनाने की पावर कहां से आई है। अब हम समझेंगे कि इंडिया में लॉ बनता कैसे है, उसके बाद समझेंगे कि लॉ होता क्या है, पूरा उल्टा चल रहे हैं। अब हम समझते हैं लॉ बनता कैसे है, बड़े ध्यान से सुनना, इसका स्टेप समझाने जा रहा हूं लॉ कैसे बनता है। अब हम बात करते हैं गाइज लॉ बनता कैसे है। अच्छा, जैसे आप लोग ये पढ़ते हो कंपनीज एक्ट 2013, जैसे मान लो हमने लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट 2013, तो ये एक्ट वर्ड क्या शो करता है? एक्ट का मतलब ही अपने आप में लॉ होता है। और एक चीज याद रखना, ये जो एक्ट होता है इसका मतलब लॉ होता है, लेकिन लॉ ही अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, एक्ट प्लस सर्कुलर्स प्लस रूल्स प्लस नोटिफिकेशन जब सबको जोड़ देते हैं तब लॉ बनता है। ये सर्कुलर नोटिफिकेशन वगैरह क्या होती है अगली क्लास में बात करेंगे, अभी के लिए इतना समझ लो कि एक्ट का मतलब लॉ होता है। और एक चीज याद रखना, एक्ट का ए हमेशा कैपिटल होगा, एक्ट का ए हमेशा कैपिटल होगा। अगर हम उस एक्ट का ए स्मॉल कर देंगे तो वो एक्टिविटी बन जाएगा, एक्टिविटी मतलब कुछ करने वाली एक्टिविटी, तो एक्ट का ए हमेशा कैपिटल होगा। अब बात आती है कि सर ये एक्ट बनता कैसे है। आपने ये तो समझ लिया कि लॉ कौन बनाती है? पार्लियामेंट बनाती है, जो इंडिया लेवल पे लगते हैं, और जो स्टेट लेवल पे लगती है वो वाले लॉ कौन बनाती है? स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। अब हम देखते हैं कि सर ये एक्ट बनता कैसे है, तो सुनना बड़े ध्यान से। कोई भी एक्ट, एक्ट बनने से पहले बिल होता है, सुना होगा ना कई बार, तुमने सुना होगा पार्लियामेंट में बिल पास हो रहा है, लोकसभा में बिल पास हो रहा है। तो सबसे पहले एक होता है, कोई भी एक्ट एक्ट बनने से पहले क्या होता है? बिल। बिल का मतलब होता है ड्राफ्ट लॉ। बिल का मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट लॉ। एक लॉ का ड्राफ्ट रेडी किया जाता है, एक लॉ का ड्राफ्ट रेडी किया जाता है, उसमें मेन मेन बातें डाल दी जाती हैं। और उसके बाद क्या किया जाता है, उस बिल को बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है।
बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है। वो बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से हैं? लोकसभा एंड राज्यसभा। इसको हम अपर हाउस लोअर हाउस भी बोलते हैं। तो कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है, बिल का मतलब होता है ड्राफ्ट लॉ, देन उस बिल को बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। एक बार वो बिल लोकसभा से पास हो गया, देन वो कहां जाएगा? राज्यसभा पे जाएगा। एक बार वो बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो गया, देन उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी असेंट देते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या देते हैं? अपनी असेंट देते हैं। असेंट का मतलब होता है सहमति देते हैं, साइन कर देते हैं। असेंट का मतलब होता है कंसेंट देना, उस बिल के ऊपर साइन कर देते हैं। जैसे ही वो उस बिल के ऊपर साइन करते हैं, देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। उसके बाद वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। उसके बाद बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। समझ आ गई बात मैंने क्या बोला? तो कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है, उस बिल को बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराते हैं, लोकसभा राज्यसभा। एक बार वो बिल लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, देन उसके प्रेसिडेंट अपने साइन करते हैं। एक बार प्रेसिडेंट साइन कर दिया, उसके बाद देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। उसके बाद साइन होते ही वो क्या बन जाएगा? देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। उसके बाद वो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। और जैसे ही वो एक्ट बन गया, इसका मतलब आपको पता है वो लॉ बन गया। इसका मतलब आपको पता है वो लॉ बन गया। लेकिन अब बात यहां खत्म नहीं होती। सर वो एक्ट तो बन गया, लॉ तो बन गया, अब आती है बात कि सर ये इफेक्टिव कब से होगा? इफेक्टिव मतलब जनता के ऊपर लागू कब से होगा? अब ऐसा तो होने से रहा ना कि हमने आज लॉ बनाया और हम ये बोल रहे हैं कि गई कल से ही एप्लीकेबल है, कल से ही क्या है? एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं होता, एक डेट दी जाती है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कल से एप्लीकेबल हो जाए। सुनना पड़े ध्यान से। मान लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन करे हैं इस बिल के ऊपर 1/1/2023 को, मान लेते हैं 1/1/2023 को प्रेसिडेंट ने असेंट दिए, मान लेते हैं 1/1/2023 को प्रेसिडेंट ने असेंट दिए। तो जब उसको प्रेसिडेंट ने असेंट दी ना, उसके बाद इसको ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है। कहां पब्लिश किया जाता है? ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में। ये ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया क्या है? भारत सरकार की एक वेबसाइट है। ये जस्ट लाइक वैसे ही जैसे स्कूल में एक नोटिस बोर्ड होता था। नोटिस बोर्ड का काम क्या होता था? सब लोगों को इन्फॉर्म कराना। जैसे मान लो स्कूल वालों ने नोटिस बोर्ड पर लिख दिया टुमारो इज योर हॉलीडे, तो पूरे स्कूल को पता लग जाता था कल छुट्टी है। सिमिलरली अगर इंडिया में कोई नया लॉ बनाए तो जनता को बताना तो पड़ेगा ना, नया लॉ बनाए तो उसे बताने के लिए हम क्या करते हैं? उसको ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश करते हैं। तो मान लो प्रेसिडेंट ने साइन करे 1/1/2023 को, और मान लो सेम डे उसको ऑफिशियल गजेट में पब्लिश कर दिया गया। सेम डे उसको ऑफिशियल गजेट में, मतलब भारत सरकार की एक वेबसाइट अभी दिखाऊंगा, सेम डे उसे ऑफिशियल गजेट में पब्लिश कर दिया गया। सेम डे उसे ऑफिशियल गजेट पब्लिश कर दिया गया। अब मान लो जब उसे पब्लिश किया गया ना, तो मगर इसके अंदर ना इसमें लिख दिया गया कि ये जो लॉ इफेक्टिव होगा वो होगा 10/5/2023 से। उसमें लिख दिया गया है सब कि भाई ये लॉ को प्रेसिडेंट ने साइन तो अब करें, लेकिन ये लॉ इफेक्टिव कब से होगा? 10/5/2023 से, 10 मई 2023 से। तो अगर उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ये लॉ इफेक्टिव होगा इस डेट से, तो उस डेट से होगा। अगर कोई डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव होगा। दो बातें करी मैंने। तो पहले तो कोई भी लॉ बनने से पहले क्या होता है? बिल। देन उसको बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराते हैं, लोकसभा राज्यसभा। देन एक बार लोकसभा से पास हो गया, देन राज्यसभा से पास कराएंगे राज्यसभा से। देन जब दोनों हाउस से पास हो जाएगा, देन प्रेसिडेंट से साइन करवाएंगे। प्रेसिडेंट साइन करवाए तो एक्ट तो बन गया, लेकिन इफेक्टिव कब से होगा? अगर उस ऑफिशियल गजट में पब्लिश करने के बाद कोई डेट बताई है तो उस डेट से इफेक्टिव होगा। जैसे मान लो अगर लिखा, मान लो प्रेसिडेंट ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ था 1 तारीख को, लेकिन हमने लिखा है कि ऑफिशियल ये इफेक्टिव होगा 10/5/2023 से, तो अगर कोई डेट बताई है तो उस डेट से इफेक्टिव होगा। अगर कोई डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी दिन से इफेक्टिव होगा, उसी दिन से इफेक्टिव होगा। जैसे कंपनी लॉ की अगर मैं बात करूं तो कंपनी लॉ को 30 अगस्त 2013 को पब्लिश किया गया था, लेकिन इफेक्टिव होता था मोटा मोटा 1 अप्रैल 2014 से। डेट बताई थी कि अगले साल से इफेक्टिव करेंगे, तो सेम मैंने बता दिया। तो ऑफिशियल गजट क्या है? एक डॉक्यूमेंट है भारत सरकार का, जिसमें कोई भी लॉ बनता है तो वहां पर पब्लिश किया जाता है। और लॉ बनने के बाद अगर उसमें कोई डेट बताई है कि लॉ इस डेट से इफेक्टिव होगा, तो उस डेट से होगा। अगर कोई डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव होगा। अब मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं, भारत सरकार की एक वेबसाइट है egazette.nic.in। इधर जब लॉ पब्लिश होता है तो इसी को हम बोलते हैं कि ऑफिशियल गजट में पब्लिश हो गया। दिखाता हूं मैं तुम्हें, ये रही भारत सरकार की वेबसाइट है egazette.nic.in। कोई भी जब लॉ बनता है ना तो उसे इस वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, इस वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। कोई लॉ बनता है, देखो अलग अलग लॉ है ये, और कौन सा लॉ किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है?
वो लिखा हुआ, जैसे आपको पता है कंपनी लॉ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है ना, इनकम टैक्स एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, तो जो लॉ जिस मिनिस्ट्री के अंदर उसका नाम लिखा होता है, जो नया लॉ बनता है यहां पब्लिश किया जाता है, और पब्लिकेशन डेट लिखी हुई है, उसकी गजट आईडी लिखी हुई है, और यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो कोई भी जो नया लॉ बनता है वो इस वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है, यहां से आके देख सकते हो। और मैंने बता दिया उस डॉक्यूमेंट में डेट बताई जाती है, अगर कोई डेट बताई गई तो उस डेट से इफेक्टिव होगा, अगर कोई डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उस डेट से इफेक्टिव होगा। अब हमें समझ आ गया कि लॉ बनता कैसे, इफेक्टिव कब से होता है, ये हमें समझ आ गया। अब हम ये समझेंगे कि ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया को ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया बोलते क्यों है, अभी उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, अब वो समझेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया को ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया ही क्यों बोलते हैं। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि आपको पता, ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा रीजन ये है कि उसे हिंदी में बोलते हैं भारत का राजपत्र, भारत का राजपत्र। अच्छा, तो पहले क्या होता था, भारत का राजपत्र क्यों बोलते हैं, आज के जमाने में क्या होता है कि आपको पता लॉ कौन बना रही है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर वगैरह है, और उसको बनने के बाद ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया पब्लिश किया जाता है। उसको पब्लिश करने का लॉजिक क्या होता था कि जनता को पता लग सके। सिमिलरली ना पुराने जमाने में क्या होता था, जब लॉ राजा महाराजा का टाइम होता था तो लॉ बनाते थे राजा लोग, और उस टाइम पे ना लॉज कैसे बनते थे, एनिमल्स की स्किन काट के बनवाए जाते थे, पत्थरों पे लिख के बनवाए जाते थे। इसीलिए तुम लोगों ने कभी एक डायलॉग सुना होगा, मेरी जुबान पत्थर की लकीर है, वो इसलिए वो डायलॉग मारा जाता है कि पुराने जमाने में जब एक बार लॉ पत्थर पर लिख दिया जाता था उसके बाद मिटाया नहीं जाता था, उसके बाद मिटाया नहीं जाता था। तो जब पुराने जमाने में जब लॉ बन जाता था तो उसको पूरे गांव में डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाता था, और कहा जाता था कि राजा का राजपत्र आ गया। क्या कहते थे, राजा का राजपत्र आ गया। और आज के में राजा कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो उसको रूल कर रही है इंडिया को, और लॉ कौन बना रही है, पार्लियामेंट वगैरह, और पार्लियामेंट वगैरह को और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किससे कर दिया उन लोगों ने, भारत से। और आज के में जब लॉ बनता है तो क्या कहते हैं, भारत का राजपत्र आ गया। क्या कहते हैं, भारत का राजपत्र आ गया। जो पहले राजा का राजपत्र होता था वो आज के में क्या बन गया, भारत का राजपत्र बन गया, और उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया। तो इसे ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया को भारत का राजपत्र क्यों बोलते हैं, समझ आ गया। अच्छा, ये जो मैंने तुम्हारे को लॉ समझाया ये तब समझाया, ये वो वाला लॉ है जो पार्लियामेंट बनाती है, ये वो वाला लॉ है जो लिस्ट वन के मैटर है पार्लियामेंट बनाती है, क्योंकि कंपनी ने समझा ना कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वो कैसे बनता है। अब हम समझते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है वो कैसे बनता है। अभी हमने देखा ना लॉ मेकिंग बॉडी दो है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट वो वाले लॉ बनाती है जो पूरे इंडिया पे लगते हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर वो वाले लॉ बनाती है जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है वो कैसे बनते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर के जो लॉ है वो कैसे बनते हैं, जरा समझना। यहां पे भी सब कुछ सेम होता है, कोई भी एक्ट एक्ट बनने से पहले बिल होता है, बिल का मतलब होता है ड्राफ्ट लॉ, वही वाली चीज जो वहां पे थी। देन उसके बाद उसको वहां पे आपने क्या देखा था, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास करवाते थे, यहां पे बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से पास करवाते हैं, बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से पास करवाते हैं। और वो बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कौन कौन से हैं, विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद। एक बार वो बिल विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह से पास हो गया, देन उसके बाद यहां पे वहां पे हम किसके असेंट लेते थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के असेंट लेते थे, यहां पे हम गवर्नर ऑफ स्टेट की असेंट लेते हैं, यहां हम किसकी असेंट लेते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट की असेंट लेते हैं। एंड एक बार उसके ऊपर गवर्नर साइन कर देगा, असेंट दे देगा, देन दैट बिल बिकम्स एक्ट, उसके बाद वो बिल एक्ट बन जाएगा। अब इसके बाद आगे का प्रोसेस सेम है, उसे हम कहां पब्लिश करते थे, ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में, इसे हम पब्लिश करते हैं ऑफिशियल गजट ऑफ स्टेट में। उसे हम पब्लिश करते थे ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में, इसे हम पब्लिश करते हैं ऑफिशियल गजट ऑफ स्टेट में। हाँ भाई, बात समझ आ गई जी। तो फटाफट समअप करो, हमने सबसे पहले अगर आज की क्लास को समअप करें, हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि इंडिया में इंडियन लीगल सिस्टम के तीन ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। लेजिस्लेटिव लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करवाते हैं, जुडिशियल बॉडी उसको रीड करके, इंटरप्रेट करके जजमेंट देती है। फिर हमने पढ़ा कि जी लेजिस्लेटिव जो लॉ मेकिंग बॉडीज है उनको पावर कहां से आई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के शेड्यूल 7 से। और फिर हमने देखा कि शेड्यूल 7 में तीन लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में जो भी मैटर दिए हुए हैं उससे रिलेटेड लॉ कौन बनाती है, पार्लियामेंट। लिस्ट 2 में जो भी मैटर दिए हुए हैं उससे रिलेटेड लॉ कौन बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर। और लिस्ट 3 में जो भी मैटर दिए हुए हैं उसमें दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं।
फिर हमने ये समझा कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, और उनकी जो एप्लीकेबिलिटी होती है पार्लियामेंट वाले लॉ को इंप्लीमेंट कौन करवानी है, इंप्लीमेंट कराने में हेल्प कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट लेजिस्लेचर वाले लॉज को इंप्लीमेंट कराने में कौन हेल्प करती है, स्टेट गवर्नमेंट। फिर हमने समझा कि लॉ बनता कैसे, लॉ बनने से पहले कोई भी लॉ बनने से पहले बिल होता है, पहले हम पार्लियामेंट वाले लॉ की बात करते हैं, उस बिल को बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराते हैं लोकसभा राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट साइन देंगे, देन उसके बाद उसे वो एक्ट बन जाएगा, देन उसके बाद उसे ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया जाएगा, और पब्लिश करने के बाद अगर कोई डेट बताइए तो उस डेट से इफेक्टिव होगा, डेट नहीं बताइए तो जिस दिन पब्लिश किया गया तो उस डेट से इफेक्टिव होगा। सेम आते हैं अब हम स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ पे, तो स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ में कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होगा वापस, फिर उसको बोथ द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से पास कराया जाएगा विधानसभा विधान परिषद, देन उसके बाद वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करते हैं, यहां पे गवर्नर ऑफ स्टेट असेंट देंगे, देन उसके बाद देन दैट विल बिकम एक्ट, उसके बाद इसको ऑफिशियल गजट ऑफ स्टेट में पब्लिश किया जाएगा, इंडिया में नहीं, हर स्टेट का अपना गजट है वहां पब्लिश किया जाएगा। तो अभी लॉ बनता कैसे हमने ये भी समझ लिया, तो अब हमने लॉ बनाने वाली अथॉरिटीज को ये देख लिया, उनको बनाने की पावर कहां से आई थी ये देख लिया, लॉ बनता कैसे ये देख लिया, अब हम समझेंगे लॉ होता क्या है, अब हम समझेंगे लॉ होता क्या है। अब लिखो, अब तुम्हें समझना आसान हो जाएगा, लिखो लॉ क्या है, तुमसे कोई पूछ ले तो, लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स, लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये डेफिनेशन है, इन शब्दों को ना तोड़ते हैं और तोड़ के इसका मतलब समझते हैं, डेफिनेशन का आपको समझ आएगा। पहला शब्द यहां पे यूज हो रहा है प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, दूसरा वर्ड यहां पे यूज हो रहा है रिकॉग्नाइज्ड, पहला वर्ड था प्रिंसिपल, दूसरा वर्ड यहां पे यूज हो रहा है रिकॉग्नाइज्ड, तो रिकॉग्नाइज का मतलब होता है अप्रूव्ड, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है अप्रूव्ड। अप्रूव्ड तीसरा वर्ड यहां पे यूज हो रहा है अप्लाइड, अप्लाइड का मतलब होता है इंप्लीमेंटेड, चौथा वर्ड यहां पे यूज हो रहा है स्टेट, यहां पे जो स्टेट वर्ड है ये आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है, और यहां पे स्टेट के अंदर, यहां पे स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ये स्टेट वर्ड मैंने बताया कहां से उठाया गया, आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है, और यहां पे स्टेट के अंदर पार्लियामेंट भी कवर होती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी कवर होती है, लोकल बॉडीज भी कवर होती हैं, लोकल बॉडीज एग्जांपल म्युनिसिपैलिटी, एग्जांपल म्युनिसिपैलिटी हो गई, जो गांव में पंचायत वगैरह होती हैं वो हो गई एटसेट्रा, आपको पता है ये भी अपने लॉ बनाती हैं। फिर नेक्स्ट इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कवर होती है, एंड नेक्स्ट इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी कवर होती है। तो ये है स्टेट की डेफिनेशन। तो स्टेट वर्ड कहां से उठाया गया, आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया, और स्टेट में क्या क्या कवर होता है आपको समझ आ गया। अब इसको पढ़ना शुरू करो तो क्या कहता है देखना, ध्यान से कहना, देखना, कह रहा है लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स, लॉ एक ढांचा है, किस चीज का, प्रिंसिपल्स का, प्रिंसिपल्स का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ एक ढांचा है रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जो कि अप्रूव किया गया है, अप्रूव किया गया किसके द्वारा,
या तो पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा या लोकल बॉडीज के द्वारा। अच्छा, इनका तो काम है ये बनाने, ये तो बना रहे हैं, और इसको इंप्लीमेंट कौन करवा रही है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करवा रही है। एंड जो कि इंप्लीमेंट किया जाता है किसके ऊपर, जनता के ऊपर। करवा कौन रही है इंप्लीमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? मैंने बताया कि जो पार्लियामेंट लॉ बनाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करवाती है, और जो स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ है उसे स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करवाती है। और इंप्लीमेंट करवाती किसके ऊपर, जनरल पब्लिक के ऊपर, है ना। किस लिए इंप्लीमेंट करवाती है, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय पाने के लिए, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय पाने के लिए। तो लॉ एक ढांचा है किस चीज का, रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जो कि रिकॉग्नाइज किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर वगैरह के द्वारा, जो कि इंप्लीमेंट किया जाता है किसके ऊपर, जनता के ऊपर। किस लिए, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय पाने के लिए। ये थी लॉ की डेफिनेशन। अब आप तुम समझो, अब तुम्हारे को ये पता है कि पार्लियामेंट का रोल क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर का रोल क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल क्या है। अब तुम्हें सबको पहले से पता था, इसलिए डेफिनेशन पढ़ना आसान हो गया, इसलिए मैंने डेफिनेशन बाद में कराई, पहले सारे बेसिक समझा दिए। अब आज की क्लास में दो चीजें और समझते हैं, उसको सम अप कर देंगे। दो तरीके के लॉ होते हैं, आपने सुना होगा, एक होते हैं क्रिमिनल लॉ, एक होते हैं सिविल लॉ। एंड एक होते हैं सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ तुमने सुना होगा, कोई फर्क बताएगा मेरे को इसमें फर्क क्या होता है, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में क्या फर्क होता है, कोई बताएगा? अच्छा, ज्यादा बड़ा फर्क ना बता पा तो इतना तो बता पाओगे कि क्रिमिनल लॉ नाम से क्लियर, थोड़ा स्ट्रिक्ट लॉ होते होंगे और सिविल लॉ थोड़े लीनियंट होते होंगे। क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में फर्क क्या होता है, ध्यान सुनना। इफ योर मेन एम इज टू पनिश समवन, अगर आपका मेन एम यह है कि आप किसी को पनिशमेंट दिलवाना चाहते हो, तो आप उसके ऊपर क्रिमिनल लॉ में एक्शन लोगे। मगर इफ योर मेन एम इज टू क्लेम कंपनसेशन, कंपनसेशन बोल लो और डैमेजेस बोल लो, अगर आपका मेन एम खाली कंपनसेशन क्लेम करना है या डैमेजेस क्लेम करना है, तो दैट इज सिविल लॉ। अच्छा देखो, कुछ लॉ तो ऐसे हैं जो बेसिक नेचर से ही क्या होते हैं, क्रिमिनल लॉ होते हैं, और कुछ लॉ ऐसे जो बेसिक नेचर से सिविल लॉ होते हैं। जैसे एग्जांपल लेके बात करूं, मर्डर, डकैती, रेप, ये फ्रॉम द डे वन ही क्या है, क्रिमिनल लॉ है। अच्छा, सिविल लॉ के एग्जांपल में पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब जो डिस्प्यूट होते हैं, इनसे रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं, पेटेंट, गुडविल से रिलेटेड डिस्प्यूट, ये सब सिविल लॉ में आते हैं, ये बाय नेचर ही सिविल लॉ है। और कुछ लॉ ऐसे हैं जिसको आपकी चॉइस होती है कि आप उसे क्रिमिनल में कन्वर्ट करो या सिविल में कन्वर्ट करो। एग्जांपल लेके बात करते हैं, मान लो मैं रोड से जा रहा था और मेरा किसी ने ना बाइक मेरी कार में ठोक दी, मेरे को कोई चोट नहीं पहुंची, सामने वाले को भी कोई चोट नहीं पहुंची, लेकिन मेरी गाड़ी को नुकसान हो गया। अब क्या मेरा यहां पे मेन एम है कि मैं उस बंदे को मार दूं या उसको जेल में अंदर करवा दूं? नहीं, मैं गाड़ी वाला हूं, मेरा एम एक ही है कि जिसने मेरी कार पे नुकसान का चोट पहुंचाई है, मेरे को वो क्या दे दे, उसका कंपनसेशन दे दे, मेरी कार का जो भी नुकसान है भरपाई कर दे। इसके अलावा अगर वो भरपाई नहीं करेगा तो मैं उसके अगेंस्ट एक्शन लूंगा। तो वो कौन सा लॉ कहलाएगा, सिविल लॉ कहलाएगा, क्योंकि यहां पे मेरा मेन एम उसको सजा दिलवाना नहीं है, सिर्फ जितना मेरा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना है। सेम मैंने किसी से कोई डीलिंग करी थी, मान लो किसी से मैंने 100 शर्ट के कॉन्ट्रैक्ट करा था, 100 शर्ट का, और उसने मेरे को बोला था कि मैं 100 शर्ट बनाकर एक महीने में सप्लाई कर देगा। मान लो उसने एक महीने में मेरे को 100 शर्ट बनाकर सप्लाई नहीं करी, तो इसका सप्लाई नहीं करी तो मेरे को बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो क्या मैं उसको जेल में अंदर करवाना चाहता हूं? नहीं, उसकी वजह से मेरे को बिजनेस, मैं ये चाहता हूं अल्टीमेटली उसके ऊपर केस करके कि जितना मेरा नुकसान हुआ उसकी वजह से मेरे को उसकी भरपाई हो जाए। इसका मतलब यहां पर मेरा मेन एम उससे कंपनसेशन लेना है, उसको पनिशमेंट दिलवाना नहीं है, तो ये सिविल लॉ है। अब एग्जांपल और लेके बात करते हैं, मान लो किसी ने मेरे फ्रेंड का मर्डर कर दिया और मेरे सामने कर दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया, उस टाइम पे बहुत सारे लोग थे, वो बड़े सारे क्रिमिनल थे, अब मैं क्या चुपचाप बैठा रहूंगा कि मेरे को उनसे कंपनसेशन मिल जाए, वो रिश्वत दे दे मेरे को और चुप हो जाओ? नहीं, यहां पे मेरा मेन एम क्या है कि मैं उनको सजा दिलवाऊं जिन्होंने मेरे दोस्त को मारा है, तो यहां पे मेरा मेन एम उनको पनिशमेंट दिलवाना, दैट इज क्रिमिनल लॉ, दैट इज क्रिमिनल लॉ। और कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो सिविल और क्रिमिनल मिक्स होते हैं। एग्जांपल लेके बात करते हैं, मान लो मेरा एक बहुत बड़ा प्लॉट था और उस प्लॉट के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया, अब मेरे दिमाग में दो चीजें आएंगी, एक तो अगर मैं बहुत सीधा इंसान हूं तो मैं सीधा कोर्ट में जाकर ये बोलूंगा कि मेरा कब्जा खाली करवा दो, इन बंदों ने मेरे प्लॉट पे कब्जा खाली करा है, कब्जा कर लिया है, इस प्लॉट को खाली करवा दो, और जितने टाइम से इन लोगों ने कब्जा कर रखा है उतने टाइम का मेरे को रेंट दिलवा दो। अगर मैं सिर्फ इतनी इंटेंशन लेकर जा रहा हूं तो दैट इज सिविल लॉ, क्योंकि यहां पे मैं उससे ज्यादा नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि उन लोगों को सजा मिले, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं मेरा प्लॉट खाली हो जाए और मेरे को मेरा कंपनसेशन मिल जाए, तो वो सिविल लॉ है। लेकिन केस टू, मैं जज को जाकर बोलता हूं इनकी हिम्मत कैसे हुई, इन्होंने मेरे प्लॉट पे कब्जा कर लिया, मेरे को मेरा जितना टाइम इन्होंने कब्जा करा उसका रेंट भी चाहिए, प्लस इन सालों को उठा के अंदर डालो जेल में,
इसका अलग मैं पनिशमेंट भी दिलवाना चाहता हूं, तो वो क्रिमिनल लॉ प्लस सिविल लॉ दोनों मिक्स हो गया तो उसे क्रिमिनल लॉ में ट्रीट करेंगे। ये बात समझ आ गई? तो सीधी सी भाषा में अगर आप किसी को पनिशमेंट दिलवाना चाहते हो तो क्रिमिनल लॉ है, अगर आप किसी से कंपनसेशन क्लेम करना चाहते हो तो कौन सा लॉ है? सिविल लॉ है। आई होप आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हुई होंगी, आपका एक बहुत अच्छा खासा इंडियन लीगल सिस्टम का और लॉ कैसे बनता है, क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, सब चीजें हमने क्लियर करके एक फ्रेमवर्क समझा दिया। ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया को ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं, भारत का राजपत्र क्यों बोलते हैं, उसका लॉजिक समझ आ गया। क्रिमिनल लॉ क्यों होता है, सिविल लॉ क्यों होता है समझ आ गया। और आपके जो कोर्स के बारे में था वो तो समझाया ही। ये तो कुछ भी नहीं है जनाब, अभी जब हमारे रेगुलर वाले लेक्चर करोगे ना, डिटेल वाले जो जिसमें कोर्स होता है, आग लगा देंगे। आप लोगों की जो लेवल ऑफ नॉलेज होगी ना वो आउटस्टैंडिंग होगी, कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा। चलो इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।